तो नमस्कार टू ईच एंड एवरी वन। तो लास्ट टाइम बेटा हमने जो डिस्कस किया था ना, याद कर, हमने बेटा क्या डिस्कस किया था? मैंने आपको गॉस लॉ कराया था और गॉस लॉ की डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किया था बेटे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या बेटे, वो है हमारे पास, जो हमारे पास कूलम लॉ है ना, कूलम लॉ इन अनदर मीडियम है। क्या बेटे? कूलम लॉ इन अनदर मीडियम है, ठीक है? याद कर, जो कूलम ने दो चार्जेस के बीच में जो बेटे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का फॉर्मूला दिया था, वो उसने कहाँ दिया था बेटे? उसने हमें बताया था, याद कर, वो फॉर्मूला क्या था पहली बात तो सपोज कर कि ये तेरे पास क्यू वन चार्ज पार्टिकल पड़ा है, ये तेरे पास क्या बेटे क्यू टू चार्ज पार्टिकल पड़ा, ठीक है? तो उसने हमें ये समझाया था कि ये क्यू वन चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो जो फोर्स लगाएगा किसके अलोंग में लगाएगा बेटे, वो इस लाइन के अलोंग में लगवाएगा, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग द टू एक्सिस ऑफ टू चार्जेस, और उस फोर्स का वैल्यू कितना माना बेटे हमने, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। सिमिलरली ये क्यू टू चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा बेटे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन बेटे ड्यू टू टू। याद कर, इनका जो मैग्नीट्यूड आया था फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन का मैग्नीट्यूड, या फिर फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू का मैग्नीट्यूड, वो बराबर आया था के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, उसको मैंने एफ मान लिया। के का वैल्यू बेटे वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय में आर स्क्वायर, ठीक है? तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला उसने तब दिया था जब उसने दो चार्ज पार्टिकल को कहाँ पे रख रखा था बेटे, एयर के अंदर रख रखा था। कहाँ रख रखा था बेटे? एयर। तो मैं इसको बोल दूंगा क्या बेटे, ये एफ ऑफ एयर है। क्या ये एफ ऑफ एयर या फिर एफ ऑफ वैक्यूम है, ऐसा मान करके चल तू, ठीक है? ओके जी, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटे, जरूरी नहीं है कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ पर हो, वो हमेशा ही एयर में हो, वो किसी दूसरे मीडियम में भी हो सकता है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको अपन क्या बोलते थे, इसको बोलते थे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या बोलते थे बेटे इसको? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसका जो यूनिट आया था वो क्या यूनिट आया था, याद करो बेटे, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, फोर्स को इधर ले आओ, तो यूनिट जो आया था वो कितना था बेटे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वैल्यू कितना था, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 उसका वैल्यू था, ठीक है मेरी बात? ठीक है बेटे। अब आपने जो चार्ज रख रखा है बेटे, वो कहाँ रख रखा है, आपने इन दोनों चार्जेस को रख रखा है एयर या फिर वैक्यूम के अंदर, ठीक है? मान लो मैं इन्हीं चार्जेस को कहाँ पर लेकर के चला जाऊँ, इन्हीं चार्जेस को अगर मैं लेकर के चला जाऊँगा किसी दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम में इन द सेंस कि चाहे मैं इसको पानी में लेकर के जाऊं, चाहे मैं इसको अल्कोहल में लेकर के जाऊं, ठीक है, मतलब किसी दूसरे मीडियम में लेकर के जाऊंगा, तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना बेटे, ये एयर हो या फिर वैक्यूम, ये क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से सुन, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, क्या सिखाई थी, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं दो चार्ज पार्टिकल की वजह से, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या बेटे, पॉजिटिव चार्ज है, तो सपोज करिए क्यू वन है, ये क्या बेटे क्यू टू है, मान लेता हूँ कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई थी, वो याद कर, वो कुछ इस फॉर्म की आई थी, इसके परपेंडिकुलर जा रही थी ऐसे बेटे, हर पॉइंट से, ठीक है? ध्यान से देख, कुछ इस तरह से बेटे, और इसकी कुछ इस तरह से थी ऐसे, आपको कुछ कुछ याद आ गया होगा, ठीक है? और ये कोई भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में टच नहीं करती थी, ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ध्यान से देख, कुछ इस तरह से थी बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी, ये कुछ इस तरह से बनाई है मैंने, ओके, कुछ इस तरह से थी बेटे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आपको मैंने अच्छे से सिखाई थी कि क्या चीज़ है ये। अब ध्यान से सुन, सपोज कर कि तूने क्या करा, इन दोनों चार्जेस को आपने कहाँ पे रख दिया, आपने इन दोनों चार्जेस को रख दिया कहाँ पर, पानी में रख दिया। कहाँ रख दिया बेटे? पानी में। अब पानी जो होता है, पानी जो होता है, आपको मालूम है कि जो पानी होता है वो होता है H2O। अब अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस फॉर्म का बनेगा, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, और इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 103 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 103 डिग्री। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है? चलिए जी, अब ध्यान से सुन, जैसे ही तू इन दोनों चार्ज पार्टिकल को पानी के अंदर रखेगा,
तो क्या होगा? आपको मालूम है कि जैसे ही आप इन दोनों चार्ज पार्टिकल को पानी के अंदर रखोगे, तो मैंने तो ये मान रखा कि दोनों चार्ज पार्टिकल क्या बेटे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ध्यान से सुन कि अगर मैं Q1 और Q2 को रखता हूँ पानी के अंदर, तो Q1 आपने यहाँ रख दिया बेटे, और Q2 क्या रख दिया बेटे, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब ये जो मीडियम है वो कैसा माना हमने बेटे, वाटर मान लिया, मतलब मान लो आपने ये पानी के अंदर रख दिया ऐसे। ओके ठीक है जी, रख दिया पानी के अंदर। अभी तक ये Q2 चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था। कितना फोर्स लगा रहा था बिना पानी के? वो लगा रहा था बेटे ये वाला। तो मैंने उसको किधर बना दिया है? मैंने उसको बना दिया ये वाला। और वो जो फोर्स लगेगा कैसे लगने वाला है बेटे, वो लगने वाला है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। कितना लगेगा बेटे? वो लगेगा एफ ऑफ एयर या फिर वैक्यूम, मैं लिख देता हूँ एयर या फिर वैक्यूम। तो किसके बराबर लगा बेटे? वो लगा 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड बाय में उनके बीच की दूरी। ठीक है जी, हमने खाली मैग्नीट्यूड लिखा है। अब जब हम उसको पानी में रख देंगे, तो पानी में क्या बेटे कि आपके पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है बेटे? नेगेटिव चार्ज है। तो वो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास आ जाएगा कुछ इस तरह से बेटे। देखो ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ना उसको अपने आसपास घेर लेगा। क्लियर है मेरी बात? ओके जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, मैंने ये ऑक्सीजन वाला बनाया है। अब ध्यान से सुन, अगर मैं इस डायग्राम को देखने की कोशिश करता हूँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखने की कोशिश करता हूँ, तो ध्यान से सुन, जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड आता है बेसिकली वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर तो जा ही रही है, मतलब अपने आसपास की नेगेटिव चार्ज को इसकी तरफ तो लेकर के आएंगी, साथ साथ ही बेटे ऊपर भी जा रही हैं। तो जो ऊपर वाले पार्टिकल भी है ना, वो सारे के सारे पार्टिकल बेटे इस साइड में आ जाएंगे। सिमिलरली इसके साथ भी सेम केस होने वाला है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो राइट साइड में, इस वाले चार्ज पार्टिकल के राइट साइड में ना, आपको ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। क्या करें बेटे? ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन क्या कि इसके राइट साइड में आपको नेगेटिव चार्ज मिला है बेटे ज़्यादा, तो लेफ्ट में भी नेगेटिव चार्ज है, राइट में भी नेगेटिव चार्ज है। तो लेफ्ट वाला जो नेगेटिव चार्ज होगा ना, इस क्यू चार्ज को किधर खींचने की कोशिश करेगा बेटे? लेफ्ट साइड के अंदर। सिमिलरली क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली जो राइट साइड में नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा बेटे? इस Q1 चार्ज को, मतलब पॉजिटिव चार्ज को किधर खींचेगा बेटे? राइट साइड के अंदर, मतलब राइट साइड के अंदर। तो लेफ्ट में नेगेटिव है, राइट में नेगेटिव है, बट राइट में जो नेगेटिव का मैग्नीट्यूड है ना वो ज़्यादा है। तो इसका ये मतलब बनता है कि इसके ऊपर, इस Q1 के ऊपर जो नेट फोर्स लगने वाला है इन नेगेटिव चार्जेस की वजह से, वो किधर लगने वाला बेटे? वो लगने वाला आपके पास किधर? वो लगने वाला राइट साइड के अंदर कुछ इस तरह से। अब ये जो फोर्स डेवलप हुआ है ना, इस फोर्स का नाम हमने क्या दे दिया? इस फोर्स को हमने बोला बेटे क्या? इंड्यूस फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? इंड्यूस फोर्स। ठीक है, चलिए जी, अब ध्यान से देख, इस नेगेटिव चार्ज, अच्छा इस Q1 चार्ज पार्टिकल के ऊपर अब जो नेट फोर्स आएगा, क्या आएगा बेटे? एफ नेट जो आने वाला है वो कितना आने वाला है? ध्यान से सुन बेटे, ऑब्वियस बात है, आपको मालूम है क्या कि Q2 ने Q1 के ऊपर फोर्स लगा रखा था। कितना बेटे? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड बाय में R उसके लगा रखा था। तो इस वाले फोर्स के ऊपर इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के द्वारा लगाए गए फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस Q1 के ऊपर जो नेट फोर्स बनने वाला है वो इन दोनों का वेक्टर सम बनने वाला है। वेक्टर सम मतलब कि नेट फोर्स कितना बेटे अभी किसके ऊपर? वो है कितना? F ऑफ एयर या फिर वैक्यूम माइनस के F ऑफ इंड्यूस। ध्यान से देख बेटे कि जो Q1 के ऊपर जो नेट फोर्स है ना, वो इंड्यूस फोर्स, उसको F ऑफ एयर और वैक्यूम में से इंड्यूस फोर्स क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर इंड्यूस फोर्स बेटे घट रहा है तो ध्यान से सुन, जो एफ नेट है ना इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर बेटे, वो कम हो रहा है। क्या हो रहा है? वो कम हो रहा है। तो सिमिलरली जितना फोर्स इस वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर है, इतना ही फोर्स इसके ऊपर है। ठीक है, तो यानी कि ये जो नेट फोर्स इसके ऊपर आया है, वही नेट फोर्स किसके ऊपर आया बेटे? इसके ऊपर आएगा। तो ध्यान से सुन, जैसे ही तू एयर
एयर में रखेगा चार्ज पार्टिकल को, एयर से कहाँ लेकर के आएगा, वैक्यूम के अंदर। तो जो नेट फोर्स होगा ना इन वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो क्या हो जाएगा बेटे, कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा बेटे, माइनस के एफ ऑफ इंड्यूस। एफ ऑफ इंड्यूस क्या बेटे, जो इंड्यूस जो फोर्स पैदा हुआ है इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं बेटे। तो मैंने ना ये चीज़ ऑब्जर्व करी, क्या ऑब्जर्व करा सुन ध्यान से, कि मैंने ये ऑब्जर्व करा कि जो एफ नेट है ना, एफ नेट है बेटे, ये पता कितना बचता है। एफ नेट मतलब कि मैंने कहाँ रख रखा बेटे, कि पानी के अंदर रख रखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर के अंदर, मतलब वाटर के अंदर। मैंने ये ऑब्जर्व किया क्या, कि बेटे जो पानी के अंदर ये जो मतलब नेट फोर्स बढ़ता है या किसी दूसरे मीडियम में बचता है, अभी तो हमने पानी माना, तो सपोज कर हमने वो बेटे मीडियम मान लिया, अभी बात तो कन्फर्म है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना वो कम हो जाता है। कैसे, क्योंकि एफ एयर वैक्यूम में से कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है बेटे, इंड्यूस चार्ज सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैंने ये देखा बेटे क्या, कि अगर मैं किसी दो चार्ज पार्टिकल को एयर से किसी दूसरे मीडियम में लेकर के आ जाऊंगा तो फोर्स डेफिनेटली कम होगा। ठीक है, कितना कम होगा, वो जो फोर्स कम होगा ना बेटे वो किसी एक फैक्टर से कम हो जाएगा। किससे फैक्टर से कम हो जाएगा बेटे, उस कितने फैक्टर से कम हो जाएगा, के फैक्टर से। तो यानी कि कितने फैक्टर से बोला बेटे मैंने, के फैक्टर से। तो बेसिकली यहाँ पे कितना आया, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो आपके पास एफ नेट किसी दूसरे मीडियम में आएगा ना, वो एफ नेट किसी दूसरे मीडियम में आएगा दो चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो वाला फोर्स बेटे किसी फैक्टर से कम हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे, 1/k। और इस के को क्या बोलते हैं बेटे, इस के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ को रब कर देता हूँ। ठीक है जी, ऑप्शन ध्यान से, मैंने आपको ये बोला कि जो आपके पास एफ नेट किसी मीडियम में आप रख दोगे ना तो वो एक फैक्टर से कम हो जाएगा। सपोज कर बेटे कि इस टाइम ना हमने मान लिया, क्या मान लिया बेटे, हमने ये माना कि इस टाइम एयर और वैक्यूम के बीच में, या एयर है वैक्यूम है, वहाँ पे जो फोर्स आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है बेटे 8100 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको पानी में रखूँगा, किस में रख दूँगा बेटे, मैं पानी में रख दूँगा, तो पानी में रखने के बाद जो फोर्स बचता है ना एक्सपेरिमेंटली, वो पता कितना बचेगा बेटे, अगर एयर में इतना है, एयर में इतना है, तो हमने ये देखा है क्या, कि पानी में रखते ही ये वाला फोर्स केवल और केवल कितना बच जाएगा बेटे, 100 न्यूटन बच जाएगा। तो सोच के देख किस फैक्टर से ये वाला, किस फैक्टर से ये वाला फोर्स कम हुआ है। तो ध्यान से सुन, अगर मैं 8100 को डिवाइड कर देता हूँ 81 से, तो तभी तो मेरे पास 100 न्यूटन आंसर आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई। तो इसका मतलब क्या है कि किस फैक्टर से वो फोर्स कम हुआ है, 81 से। तो इसका मतलब ये है कि जो K है ना, K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, किसके लिए, पानी के लिए, वो आपका कितना बेटे 81 है, कितना है 81 है। क्लियर है मेरी बात, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आपने डिफाइन कर रखा है, क्या डिफाइन कर रखा है, कि अगर आपके पास क्या है बेटे, कि आपके पास क्या है, आपने दो चार्ज पार्टिकल को एयर में रख रखा है, उसके बाद आप किसी उसको दूसरे मीडियम में रख देते हो, तो फोर्स एक फैक्टर से कम हो जाता है, उस फैक्टर को क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देते हैं। दोबारा सुन, मैंने क्या बोला कि अगर आप किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल को एयर के अंदर रख देते हो और एयर के अंदर आप फोर्स कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है, जैसे आप दूसरे मीडियम में जाओगे तो डेफिनेटली फोर्स कम होना है, तो वो फोर्स किस फैक्टर से कम हुआ है, उस फैक्टर को अपन क्या बोल देते हैं बेटे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। तो अगर मैं किसी मीडियम में इसको डिफाइन करता हूँ, देखो ध्यान सुनो, तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे एफ नेट आया है, एफ नेट जो आया है वो किसके बराबर आया बेटे, वो आया 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। कितना बेटे, डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म को मैं पता क्या बोलता हूँ, इस पूरी टर्म को बोलता हूँ बेटे मैं एप्सिलॉन नॉट, जैसे एप्सिलॉन खाली, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है बेटे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब ये जो एप्सिलॉन है वो क्या बेटे, एप्सिलॉन क्या माना जाता है, एप्सिलॉन माना जाता है क्या, कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जिसके अंदर आपने इन दोनों चार्जेस को रखा था। क्लियर है मेरी बात, तो जो एफ नेट बनेगा, एफ नेट मतलब किसी दूसरे मीडियम में, यहाँ पे मैं मीडियम डाल देता हूँ,
तो जो एफ मीडियम में बनेगा वो किसके बराबर आएगा बेटे, वो आएगा 1/4 pi epsilon Q1 Q2 डिवाइड बाय में आर इसके, यानी कि यहाँ से जो अप्साइलन लिखा हमने किसके बराबर लिखा बेटे, हमने वो लिखा है के इंटू में अप्साइलन नॉट के बराबर। आई मेरी बात सुनो बेटे, तो जो अप्साइलन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी मीडियम की कितनी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, कितनी किसी मीडियम की किसी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है बेटे। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का मीडियम चूज करा है। अगर आप पानी में रखोगे तो पानी के लिए इसका वैल्यू कुछ अलग बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको अल्कोहल में रखोगे तो इसका वैल्यू कुछ और आएगा। तो इस तरह से क्या हमने इसको डिफाइन कर रखा होता है बेटे, मतलब हर मीडियम के लिए अलग अलग है। तो अगर हर मीडियम के लिए इसका वैल्यू अलग अलग है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का, तो ऑब्वियसली जो फोर्स किसी मीडियम में आएगा बेटे वो भी क्या होगा बेटे, अलग अलग होगा। यानी कि अगर आप अल्कोहल में रखोगे तो अलग फोर्स आएगा, पानी में रखोगे तो अलग फोर्स आएगा, इस तरह से बेटे, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो एप्सिलॉन क्या बोला बेटे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। सिमिलरली एप्सिलॉन नॉट क्या बेटे, एप्सिलॉन नॉट है क्या, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बेटे, ठीक है। चलिए जी, और के क्या था बेटे यहाँ पे, के था आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। के क्या था यहाँ पे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ओके ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आगे सुन ध्यान से बेटे मेरी बात। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप क्या करो, रेशो निकालो, किस किस का बच्चे, आपने पहले चार्ज पार्टिकल रख रखा है कहाँ पर, एयर में, और फिर उसके बाद आपने कहाँ रख दिया बेटे, किसी मीडियम में रख दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं आपके पास, Q1 है और दूसरा कौन सा बेटे, Q2 चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो अभी हमने इसको कहाँ पे रख रखा है बेटे, आपने इसको रख रखा है एयर के अंदर। तो जो एयर के अंदर फोर्स आएगा, एयर या फिर वैक्यूम के अंदर जो फोर्स आएगा वो आएगा बेटे 1/4 pi epsilon naught इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय में आर स्क्वेयर, ठीक है। जैसे ही आप इसको किसी दूसरे मीडियम में रख दोगे, इसको किसी दूसरे मीडियम में रख दोगे, तो जो फोर्स बनेगा वो कितना बने बेटे, एफ ऑफ मीडियम किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1/4 pi। ध्यान से सुन, यहाँ पे कितना है बेटे हमारे पास अप्साइलन, और कितना है बेटे Q1 Q2 डिवाइड बाय में आर स्क्वेयर। मैं कहता हूँ कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले बेटे, 2 मान ले। तो हम इन दोनों क्या करते हैं बेटे, डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा एफ ऑफ एयर डिवाइड बाय में एफ ऑफ मीडियम किसके बराबर आएगा, ध्यान दे देख, 1/4 pi 1/4 pi को कैंसिल आउट कर देगा, Q1 Q2 / r उसके इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा बेटे 1/epsilon naught डिवाइड बाय में 1/epsilon। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास टर्म आएगी क्या बेटे, epsilon डिवाइड बाय में epsilon naught, कितना आएगा epsilon डिवाइड बाय में epsilon naught। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देख, इस वाली इक्वेशन को, तो जैसे आप इस वाली इक्वेशन को देखोगे ध्यान से, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ epsilon डिवाइड बाय में epsilon naught, वो किसके बराबर आया बेटे, वो k के बराबर आया। k क्या आपके पास यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। तो बेसिकली epsilon / epsilon naught किसके बराबर भी बेटे, एफ ऑफ एयर डिवाइड बाय में एफ ऑफ मीडियम। तो मेरा कहने का मतलब है बेसिकली आपके पास क्या टर्म आ गई बेटे, ये डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आ गई, और वही डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो मैं आपको डेफिनेशन में बार बार बोलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। कैसे, जो आपके पास बेटे ये एफ ऑफ मीडियम आएगा वो अब की बार किसके बराबर आएगा, वो बराबर आए बेटे किसके, एफ ऑफ एयर डिवाइड बाय में के। तो फिर से वही वाली बात आ गई, देखो ध्यान से, कि आपने डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को क्या डिफाइन करा, आपने इसको डिफाइन करा क्या कि किस फैक्टर से मेरा जो फोर्स है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, जब हमने उसको एयर में रख रखा था तो किस फैक्टर से वो कम हुआ है, उसी को हमने क्या डिफाइन करा बेटे, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। चलिए जी, अब इस वाली टर्म को मैं एक नाम और दे देता हूँ बेटे, मैं क्या बोल देता हूँ उसको, मैं उसको बोलता हूँ बेटे मैं ER। ER क्या है, ER है बेटे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या है ER, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल
परमिटिविटी, ठीक है ओके। तो इस कई बार आपको ना वो डायरेक्टली दे देता बेटे क्या कि किसी मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितनी है बेटे, ई आर है, कितनी है बेटे वो ई आर है। तो आपको क्या करना होता है बेटे, उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी निकालनी होती है। तो आप जस्ट क्या करते हो, इस ई आर की मल्टीप्लाई किससे कर देते हो बेटे, एप्सिलॉन नॉट से। आपके पास क्या आ जाती है बेटे, मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आ जाती है, जिसको हमने एप्सिलॉन से डिनोट करा था, ठीक है। और ध्यान से सुन बेटे, इस के की सबसे बड़ी खास बात क्या है, के जो होता है ना हमेशा ही आपका, या फिर अब रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वो हमेशा ही के ग्रेटर देन होता है बेटे वन से, हमेशा ही वन से बड़ा होता है। अब वन से बड़ा होने का मतलब ये है कि एफ ऑफ एयर हमेशा ही बड़ा होगा किसके कंपैरेटिवली बेटे, एफ ऑफ मीडियम के कंपैरेटिवली। यानी कि जो मैक्सिमम फोर्स आता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो हमेशा ही एयर या फिर वैक्यूम में सबसे ज़्यादा आता है किसके कंपैरेटिवली बेटे, जब आप चार्ज पार्टिकल को कहाँ रख देते हो, किसी दूसरे मीडियम के अंदर रख देते हो, ठीक है बेटे मेरी बात, ओके जी।